बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है या नहीं। आपने भी ये जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है, तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या परेशानियां आती है, और इसके बारे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला उन्होंने क्या इरशाद फरमाया है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती भूल कर भी न करना। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अजाब-ए-कब्र नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए उसकी मौत रमजान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया के उसके जन्नत में जाने के लिए अल्लाह पाक के तरफ से खुद एहतमाम हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रमजान के महीने में मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौमे अरफा यानी कि 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि माहे रमजान में मुर्दों से अजाब-ए-कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह तबारक व ताला उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है और उसका ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया के उसके जन्नत में जाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से खुद एहतमाम हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है और इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और शयातीन को कैद किया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और इसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो कब होगी? प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती भूल कर भी न करना। तो प्यारे दोस्तों, एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी में खाता है तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है और वो इंसान बातों को भूलना शुरू हो जाता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरे दिमाग और जिस्म को सही फायदा मिले? तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करो, खाना बैठ कर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले करके मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो, और खाना खाने के फौरन बाद पेट भर कर पानी बिल्कुल भी न पीना। याद रखना कि अल्लाह ने रिस्क में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो वो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है, दवा भी बन जाता है, बरकत भी बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते हैं उन घरों में क्या होता है और इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है।
तो एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगी, या अली, आखिर मेरी ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियाँ खत्म ही नहीं होती। तो हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत? तो हजरत अली ने फरमाया कि तुम रात में सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर ही रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो शैतानी जिन मैले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं और यूं ही उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं और घर का सुकून खत्म हो जाता है। ऐ औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शैतानी जिन्नात तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और हर परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।